हाय गाइस, इतने सारे मेन्यू चखने के बाद आज हम आ गए हैं केएफसी का मेन्यू ट्राई करने। कुछ नॉट टेस्टी है। विंग्स टेस्टी तो बहुत है। विंग्स मुर्गी को पता भी नहीं होगा उसके पास जब ये टांगे थी ये इतनी गेंद थी। ये मुर्गी नहीं है ब्रो। जितनी अनहेल्दी चीज हो ना तेल से भरी हो उतनी ही टेस्टी होती है। देख रहे हो सुंदर इतनी जहर फ्राइज, इससे बुरी फ्राइज तुम जिंदगी में नहीं खा सकते। हम आपको बताएंगे क्या केएफसी में वो पुरानी वाली बात है या नहीं। चलो फिर जल्दी बुलाते हैं, फिर बात देखते हैं कि नहीं। तो पहली चीज है हमारे पास चिकन जिंगर। ये हमने इतने खा रखे हैं भाई बचपन में। इसकी एक बात है, ये सस्ते भी होते थे ना। ये सस्ते होते थे, अब नहीं है। तो अब मैकालो टिक्की भी एक टाइम पे सस्ता होता था, अब 40-50 रुपए का हो गया। बट यार इसकी एक चीज देखी है मैंने ओवर टाइम ना, इसका ये अंदर का पीस सेम रहा है, मेयो सेम रही है, लेटेस सेम रही है, बट ये ब्रेड जो है ना इसका बन चेंज होता रहा है। दिमाग में पता नहीं मेयो ना अब एसोसिएट ही मोमोज से होता है। बट ओवरऑल जिंगर अभी काफी हद तक वो बात अपनी मेंटेन कर रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे भूख लग रही है। भूख तो लगी हमें, आई मीन ये बेस्ट होता है। हमें एक दिन तक भूखा रहे सुबह से लेकर 6-7 घंटे, उसके बाद ये वीडियो करें तब रियल टेस्ट पता लगता है। मुझे पता है कि केएफसी में और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो इसको हम रेट करेंगे 7 बिकॉज आज ये अच्छा लग रहा है। बट यार मैं तो उसको 9/10 दूंगा, क्योंकि केएफसी जब लॉन्च हुआ था ना इंडिया में सबसे पहली चीज मैंने उसकी कोई खरीदी तो जिंगर बर्गर था, और आज भी ना वो नॉस्टैल्जिया और क्वालिटी मेंटेन रखी हुआ। तो उसके नंबर बनते हैं। बहुत छोटा था यार, काफी बहुत पहले लॉन्च हुआ था। याद नहीं, बहुत छोटा था। फैक्ट्स में लिखा होगा, गूगल वाले आते हैं ना। बट ठीक है, मतलब भाई का अटैचमेंट है तो बनता है। चलो नेक्स्ट ले आओ फिर। अगला आ गया है चिकन स्ट्रिप्स। ये इसके ऊपर जो मसाला डाला होता है ना यार, ये काफी सही लगता है मुझे केएफसी का अपना स्पाइस। ये मसाला डालने में बहुत कंजूसी करते हैं पर ये, हाँ। है ना, तो मसाले वाली भी मंगाओगे उनमें भी पूरे में मसाला नहीं होता भाई। और एक टाइम पे ये स्पाइस मिक्स का अपना पैकेट देते थे, बट वो बंद कर दिया। इनका तुझे बेस्ट आइटम क्या लगता है वैसे? मुझे इनका बेस्ट आइटम लगता है हॉट एंड क्रिस्पी चिकन। मुझे बेस्ट लगता है भाई पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न तो यार फिर बोलने चीज है, ऐसे ही खा लो ट्रैवल टाइम। बेस्ट चीज कैसा है बढ़िया, अगर पॉपकॉर्न जब आएगा तब कर। देखो इनकी स्ट्रिप्स अच्छी है बट थोड़ी रबरी रहती है, और अगर मसाला नहीं डला तो फीकी रहती है। मुझे स्ट्रिप्स बिल्कुल नहीं पसंद केएफसी की वजह से। एक तो हमें आदत ना मैकडी ने वो पेरी पेरी फ्राइज की कर दी कि मसाला हो तो एकदम हर तरफ से। ओ भाई वो गरम है। देखो कैसी लगी स्ट्रिप्स, मेरे को भी ओके लगी। मेरी जीभ जला दी इसने। तू एक बाइट लेगा, दो बाइट लेगा, एक लेग पीस खत्म कर देगा, उसके बाद तेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो एक टाइम बाद ओवर बार कर देता है। ऑयल मतलब केएफसी वैसी वाली चीज़ है यार, कभी कभार खाने वाली। फ्राइड फूड वैसे भी थोड़ा कम ही खाओ, बट हम ये बोल रहे हैं हम हर दूसरे दिन खाते हैं। और आज तो तुम्हें पता नहीं हम कितना 3 लोगों को खा जाएंगे अकेले। उसको तो मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर, जस्ट बिकॉज की इतने पैसे दे के आपको इतना सारा चिकन मिलता खाने में। तो 4 नंबर मसाला डाल के दो, तब हम बात करेंगे। तब तक हम कुछ और ट्राई करते हैं। क्या है ये? आलू बंडा। ये कौन सा पीस होता है? एक बार मैं खोलना पड़ेगा भाई। ये थाई पीस है। ये थाई है, थाईलैंड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। थाईलैंड बड़ा याद आ रहा तुझे? मुझे पता नहीं ये क्या वो है ना इस सिनेरियो, कोई भी किसी को भी बोलो ना तुम थाईलैंड जा रहे हो तो हर कोई इतना बाकी चीजें तो मर गई। हालांकि जैसे जैसे वहां अच्छी चीजें भी होती हैं, मतलब ऐसा कोह समुह आइलैंड के बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है, है ना। बट डिप के साथ, डिप है तो नूरी डिप। अब इस चिकन में टेस्ट बस चिकन का रह गया और नमक का रह गया, कोई मसाले वसालों का टेस्ट नहीं आता। केएफसी क्या हो गया ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग? कहाँ अंकल जी, कहाँ है इनकी पैकेजिंग? देना क्रिस्पी तो है यार केएफसी की। ये बात है कि मुझे समझ नहीं आता क्या चीज मिलाते हैं अंदर कि उनका चिकन ठंडा हो जाता है, सॉगी हो जाता है। गरम करो, बाहर निकाल दो, थोड़ी देर रखो, वापस क्रिस्पी हो जाता है। मुझे तो लगता है थोड़ी देर और गरम करो कि जिंदा होकर बाहर आ जाएगी मुर्गी। ये कोई गोलगप्पे के लिए भी हमें बता दो, हम अपने घर पे गोलगप्पे बनाते हैं उनके साथ भी ऐसा कर ले फिर हम। अब बता दे रो कैसा लगा ये? ओके चिकन स्ट्रिप जैसा ही है फ्रेंकली। आई डोंट नो ये इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, ये बस चिकन स्ट्रिप है जो कि थोड़ी खाते पीते घर की है बस। मुझे इसकी जो स्किन है ना, जो क्रिस्पी पार्ट है, ये खाने में इतना मजा आता है। ये बात तो भाई, खाना जितना आनंद हो ना उतना अच्छा लगता है। रेट करना इसको तो मैं रेट करूंगा इसको
छह नंबर बिकॉज हाँ ठीक है थाई की वैसे थोड़ा बहुत ठीक है और मैं इसको रेट करूंगा 10 में से 8 नंबर बिकॉज हॉट एंड क्रिस्पी अगला आइटम लेने से पहले खत्म कर दूंगा बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है अगला आइटम आ गया है केएफसी का धोखा पता नहीं भाई क्या है ये देख के खाने का मन नहीं कर मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है केएफसी के इतने बुरे दिन आ गए हैं 10 रुपए की मैगी पे थोड़े से पॉपकॉर्न के पीस डाल के चिकन पॉपकॉर्न के 180 रुपए का बेच रहे हैं और मैं तो मैं बता रहा हूँ इनको मैगी 9 पे केस करना चाहिए क्या बकवास कर रहे हो तुम ठीक है पता नहीं और मैं ये देखना चाहता हूँ जैसे ये लोग मेंटेन रखते हैं ना कुकिंग अपनी कि हर जो मैगी बनेगी वो एक ही तरीके से बनेगी सब में एक ही टेक्सचर होगा मैं वो देखना चाहता हूँ क्या सिस्टम है मैंने कभी खुद तो ऑर्डर करूंगा नहीं मैं ऐसी मैगी तो मैं खाता ही नहीं भाई ये तो वो है एहसान मैगी थोड़ी है 180 रुपए में 4 आलू टिक्की बर्गर खा लूंगा Was it a good or bad oomph? It was a bad Chicken waste कर दिया है उन्होंने इनको पाप चढ़ेगा वैसे normally ये popcorn के ऊपर मसाला डालते हैं अपना बड़ा सही लगता है मसाला बट इसमें डाला ही नहीं यार क्या किया KFC क्या हो गया KFC को मसाला से कुछ problem है कोई दिक्कत थी तो बताना था ना भाई को कुछ देखते क्या हो सकता उधार ले लेते इससे उधार ले लेते यार इसको मैं देना चाहूंगा एक नंबर वो भी सिर्फ चिकन वेस्ट है मैगी की तो इन्होंने जो किया है भगवान माफ नहीं करेगा इसको मैं भी एक नंबर दूंगा क्योंकि ना मैं 10 नंबर देना पसंद करता हूँ ना 0 तो एक नंबर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लगेगा तो ले जाओ अब आया हमारे सामने वेज क्रिस्पर ओ ये मुझे लगा फिलेओ फिश है मैकडी का इनकी फ्राइज इतनी जहर फ्राइज इससे बुरी फ्राइज तुम जिंदगी में नहीं खा सकते कभी तुम्हें बुरी फ्राइज खानी है मूड खराब करना है KFC जाके फ्राइज ऑर्डर करना बहुत गंदी ड्राई फ्राइज एक बार देख ले देख रहे हैं सुंदर नहीं क्या है उसमें वो क्या है मेयो और आलू पैटी है हाँ कैरेट है कैरेट वेजी वेजी पैटी है ये वेजी पैटी मेरे को लग रहा है ये टेस्टी हो सकता नहीं रेज मैं बाइट लेके मुंह खोल के दिखा दूँ तुम्हें मैंने बोला था ना इसमें काफी सब्जियां भाई और फ्लेवर एक्चुअली इसमें हमारी गलती नहीं है हमें इतनी देर से थोड़ा फीका फीका लग रहा था अब हमें थोड़ा नमक मिर्च में था पागल हो गए ऐसा लग रहा है अंदर एकदम पूरा पंजाब भरा हुआ है और वो बन कितना टेस्टी है इसका एक चीज और है इसमें जो चिकन जो पॉपकॉर्न के ऊपर मसाला डलता है ना इसकी पैटी में डला हुआ हो सकता है तभी हमें डला हुआ है अबे देख के नहीं मतलब खा के देखना बट पैटी बहुत अच्छी है भाई मुझे पैटी बहुत टेस्टी है मैं चिकन से ज्यादा नंबर दे दूंगा इसको रेट करो इसको 10 में से आज तक खुशी खुशी 8 नंबर भाई 8 जो उन्होंने टेस्ट बनाया ना कॉम्बो अपना बनाया 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं इसे आज तक मुझे ये लगता था कि वेजिटेरियन KFC जा क्यों रहा है आई थिंक उन लोगों ने ये खा रखा है इससे जा रहे बट यार जो रेस्टोरेंट में बैठ के मजा है ना KFC के खाना गरम गरम तो उसका फील ही अलग है अब आया है कमाल का आइटम दोस्तों अब आया है पॉपकॉर्न बट ये बहुत कम क्यों है ये बांट लिया ना उन्होंने आधे आधे और बाकी हमारे प्रोडक्शन वाले लोग खा गए पॉपकॉर्न ऐसी चीज है हाथ नहीं रुकता सारे मसाले वाले पार्ट खा गए अंदर से फीके वाले छोड़ दिए भाई हमें जानना है कि इसमें डलता क्या है जो भी डलता है बहुत सही है ये और अभी भी इसमें मसाला नहीं डाला ऊपर से व्हाट्स रॉन्ग केएफसी वाह पॉपकॉर्न तो यार पॉपकॉर्न जिस दिन के लॉन्च किया है ना उससे लेके आज तक सेम है इफ आई हैड टू रेट दिस मैं इसको 9 नंबर देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया था हमारी टीम ने आई थिंक मसाला सारा चाट के दे दिया चाट के दे दिया स्नॉट कर लिए टेस्टी इतना लगता है इनको वापस रख दिया बेस्ट पार्ट पता है क्या चिकन पॉपकॉर्न की आप ले लो और किसी भी चीज के साथ मिला के खा लो अपने घर पे ये मेरे को बहुत सही लगता है फ्यूजन तो उस बात पे इसको 10 में से 9 नंबर मिले हैं क्योंकि टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ सेम रखा हुआ है एंड कितना बढ़िया कंफर्ट फूड है ना यह किसी भी चीज के साथ कोई भी इवेंट में दोस्त ले तो बनते हैं ये क्लासिक चिकन बिरयानी बकेट है मैंने अभी थोड़े टाइम पहले खाई थी वो तो बिल्कुल अलग चावल थे चेंज कर दिया इसका सालन बड़ा स्वाद लगता है यार थोड़ा सा ले लो मैं क्यों रुकूं मैं भी खाऊंगा सालन ये ग्रेवी बहुत टेस्टी है
चावल कच्चे हैं। हमने जिस केएफसी से मंगाया या तो उसमें कुछ लोचा है या तो केएफसी के साथ कुछ लोचा है आजकल। ये सालन क्रेजी एंड आई थिंक मैं बिरयानी खा रहा हूँ बना सुन ही नहीं सकता बिकॉज इनकी बिरयानी एक्चुअल में उन्होंने जब निकाली थी मुझे लग रहा था पता नहीं क्या निकाला है एंड वो उस दिन से मुझे बहुत पसंद आई है। केएफसी ने एक काम अच्छा किया जैसे उस जो हमारे कल्चर के अंदर जो बिरयानी लॉन्च किया ना सबसे क्लोजेस्ट वही है। आई नो जो ओरिजिनल बिरयानी होती है उससे अलग होती है बट ये बिरयानी बड़ी सही लगती है यार। टेस्ट वाइज अच्छी है मतलब एंड लाइक आई सेड आई मीन एज लॉन्ग एज चिकन का तुम्हारे पास पीस आ रहा है और सालन मिल रहा है और राइस है यू कैन कॉल इट अ बिरयानी। और ये इजी भी होती है क्योंकि बोनलेस पीस है तो सीधा बाइट बनाई बाइट नहीं कहते उसे बाइटा कहते हैं। पूरे राइस लिया सालन डाला उसके ऊपर चिकन का पीस रख के पेलो और मैंने इसको 10 में से दे रहा हूँ 9 नंबर क्योंकि मैं इसको दूंगा 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि केएफसी से मेरी एक रिक्वेस्ट है ये सालन अलग से भी बेचना स्टार्ट कर दो ठीक है। मम्मी कई बार सब्जी देना भूल जाती है रोटी में तो ये पैक करा सकते हैं। ऑन दैट नोट आई विल रेट दिस 8 दोनों ने इसको 8 नंबर दिए तो बिरयानी केएफसी यू स्टिल हैव 8 में से अभी भी बोल रहा हूँ 2 या 3 नंबर सिर्फ सालन के तो मेक श्योर यू स्टिक टू दिस। So, ये हमारा स्मोकी रेड ग्रिल्ड चिकन जो कि थोड़ा कम ग्रिल्ड है क्योंकि इसके ऊपर ये देख मार्क्स तो लगे हुए हैं बट ये ज्यादा वो नहीं हुआ ब्लैक नहीं हुआ मार्क्स से नो मार्क्स। मुर्गी को पता भी नहीं होगा उसके पास जब ये टांगे थी ये इतनी कीमती है। भाई अगर केएफसी से ऑर्डर करें तो केएफसी का हॉट एंड क्रिस्पी चिकन मंगाओ बिरयानी मंगाओ पॉपकॉर्न मंगाओ वो सही है यार। देखो वो सब सही नहीं है मुझे लगता है म्यूचुअल फंड चाहिए और म्यूचुअल फंड से भी अच्छा क्या है बताओ अर्बन कंपनी बहुत सही है सही नहीं बहुत सही। भाई मैं स्मोकी को दूंगा 4 नंबर बट इससे आपको बस ये पता चलता है स्मोकिंग किल्स। देखो मैं टॉम को दूंगा 5 नंबर मैंने इस मुर्गी का नाम टॉम रखा है। देखो 5 नंबर इसलिए क्योंकि ये काफी मतलब ड्राई है खाने में ग्रिल्ड चिकन थोड़ा सा मॉइस्ट होता है खाने में सॉफ्ट होता है टेंडर होता है ये काफी ड्राई है KFC का जो आइटम। तो अब बारी आती है डेजर्ट की मैंने ये कभी नहीं खाया मुझे पता भी नहीं था केएफसी पे ये मिलता है। मैं मुझे अच्छा लग रहा था हम डोमिनोज में जब कह रहे थे चॉकोलावा तो उसका चॉकोलावा तो भाई पर उन्होंने क्रैक ही कर लिया है पिज्जा बंद हो जाएंगे ना चॉकोलावा नहीं बंद हो सकता। इनका एक वो आता है दोस्त चॉको बोर्ड थिक शेक चॉकलेट थिक शेक क्या शेक होता था भाई क्रशर तो नहीं कह रहा तू थिक शेक तो वो बर्गर किंग में मिलता। माय बैड गाइस ज्यादा चिकन खा के याददाश्त चली गई और बर्गर किंग का वो बहुत बेकार है मगर जो इस चॉकलेट थिक शेक बहुत अच्छा है आई ट्राई इट अगर बोल रहा तू तो मगर यार क्रशर क्यों बंद हुए बट एनी हाउ इसको ट्राई करते हैं। इनके चॉको लावा में कुछ लावा नहीं है भाई है लावा है ये कैसा लगा मुझे इससे पहले लगता था चॉको लावा का टेस्ट एक ही होता है ये अलग है कुछ ना ट्विस्ट नहीं है मेरा भी खा ले रहे तेरा वाला खराब है क्या क्या सीन है ये देख ब्रो मजाक नहीं कर रहा इसमें से खा ले एक हाँ बाइट ले एक बाइट ले ले उसमें से सच में देखो इसमें वो है लावा मेरे में लावा ही नहीं है इसका मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा कुक हो गया है देखो इट्स गुड। मैं एक साल पहले मैं एक महीना सोच रहा था वीडियो के एंड तक मेरी बात चेंज हो गई इस पूरे साल मैं KFC नहीं जाऊंगा मैं तो जाऊंगा मैं तो वेज क्रिस्पर खाऊंगा मैं वो भी नहीं खाऊंगा मैं KFC ही नहीं जाऊंगा इस पूरे साल क्योंकि मेरा हो गया अब बुला भी नहीं रहे वो चल 10 में से नंबर दे इसको इसको रेट करना होगा तो इसको मैं रेट करूंगा 7 नंबर बिकॉज जो भी है जैसा भी है मीठा है और ये मीठा कुछ देते नहीं है तो इसको अगर मैं 10 में से रेट करूंगा तो मैं इसको करूंगा 9 नंबर क्योंकि बहुत सही लगा मेरे को इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं यार तू एक और खा ये वाला बहुत गंदा है भाई उन्होंने सोच के भेजा बंदा देख के देते हैं वो ऑर्डर। यही था हमारा KFC का रिश्ता मैं तो ये साल की रिश्ता तोड़ रहा हूँ बाकी गट्टू की मर्जी है। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर KFC बट इसके बाद हमें कौन सा फूड चेन ट्राई करना चाहिए प्लीज कमेंट्स में बता देना एंड ऑन दैट नोट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो कमेंट तो आप कर ही रहे हो शेयर भी कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल द अर्बन गाइड्स।